मध्य प्रदेश के दतिया जिले के कस्बे बसई में कबाड़ी की दुकान में अचानक हुए विस्फोट से दो लोगों की मौत हुई। जानकारी के अनुसार कस्बा बसई के पास बबीना स्थित आर्मी कैंट एरिया है, जहां पर आर्मी के जवान फायरिंग कर एवं हथगोला विस्फोट कर प्रैक्टिस करते रहते हैं। वहीं आसपास के कुछ ग्रामीण चंद रुपयों के लालच में चोरी छुपे विस्फोट हुए एवं मिस हुए हथगोले को उठाकर कबाड़ी वालों को बेच देते हैं और कबाड़ी वाले उन हथगोले को तोड़कर उसमें से पीतल व स्टील की धातु को निकालकर बाजार में महंगे दामों में बेचते हैं। ऐसे ही मिस हुए गोले को कबाड़ बीनने वाले ने उठाकर बसई स्थित दिनेश साहू की कबाड़ की दुकान पर बेच दिया। दिनेश साहू ने वह हथगोला लेकर उसमें से धातु निकालने के लिए उसे जैसे ही तोड़ने की कोशिश की, उसमें से तेज ब्लास्ट हुआ, जिससे दिनेश साहू और दुकान में काम कर रहे मजदूर नीरज अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे बसई थाना प्रभारी पुष्पक शर्मा ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। झांसी में इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई। कहां हुआ और कैसे हुआ सर? ये माता वाली गली में बसई में हुआ है जी। आज करीब 11:30 बजे की बात है जी। तभी एक मेरे पास फोन आया कि यहां कोई ब्लास्ट हो गया है जी, तो मैं घटनास्थल पर पहुंच गया जी। बता सकते हैं, लेकिन मैंने ये अब जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई, जब मैंने पता किया तो बगल में अपने आस में यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आर्मी रेंज लगी हुई जी, बबीना कैंट लगा हुआ। तो वहाँ जब भी फायरिंग होती है तो ये लोग गांव के आसपास से लगने वाले ग्रामीण जो क्षेत्र अपने जैसे अपने थाना क्षेत्र से लगने वाले 4 से 5 गाँव जैतपुर है, काकोड़ा है जी, और ये रट्ठा गेट है जी। तो यहाँ के लोग जब भी फायरिंग होती है, फायरिंग होने के बाद तुरंत बाद वहाँ पहुँच जाते हैं, जो मटेरियल उनका रहता है उसको कलेक्ट करने के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसमें जो भी अपना जैसे कॉपर है, सिल्वर है, कुछ स्टील वगैरह है, जब उसको उठा के लेके आते हैं उसको फोड़ते हैं। फोड़ने के बाद कोई तो चला हुआ होता है और कई गोले ऐसे होते हैं जो मिस फायर होते हैं, वहाँ से चलते नहीं है। तो यहाँ घर पे लेके आते हैं, जब उसको फोड़ते हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग के दौरान कभी कभी ब्लास्ट हो जाता है। तो उनके साथ भी जो अभी आज मेरे थाना क्षेत्र बसई में हुआ है वो उसी से स्पार्किंग से ही हुआ। सुबह वहाँ पहुँचे घटनास्थल, दो लोग घायल हुए थे, एक तो नीरज अहिरवार है सन ऑफ बबलू 25 साल है, और दूसरा एक है दिनेश साहू सन ऑफ दयाराम साहू। दो लोग उसमें घायल हुए थे, मैंने तत्काल रेफर कर दिया था झांसी के लिए। तो झांसी में अभी सर क्या स्थिति उन लोगों की? अभी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो भी कुछ होगा मैं आपको। मैं तो पहले से एक्शन जो मेरे समान में हुआ था उसके दौरान ही हम सब लोग बड़ी बहुत ही बारीकी से अपना क्षेत्र में लगे हुए थे, बट अब जो आसपास से लगने वाले ग्रामीण क्षेत्र रेंज के जो भी आर्मी से लगने वाले, अब उसमें और ज्यादा अपन मेहनत करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक नहीं सर और अच्छे से ये करने के लिए। क्षेत्र में जो है और भी लोग कवाड़े काम कर रहा है तो नहीं, कवाड़े का अगर काम करते हैं तो सबको कार्रवाई तो देखेंगे, अगर क्या काम कर रहे हैं कवाड़े की आड़ में, ऐसा ना हो कहीं कोई यहाँ से बबीना से जो गोले बारूद आते हैं जी उनको कहीं।